29 लाख का रेवेन्यू लास्ट मंथ के अंदर हमने यहाँ पर जनरेट किया है इस पर्टिकुलर स्टोर के लिए। जो ब्रॉड टारगेटिंग का मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ उस मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है, आई बी टेलिंग यू अबाउट दैट। बट उसके पहले ये कोर्स की शायद पांचवी या छठी वीडियो है फेसबुक एड्स कोर्स की। अगर आप पूरा फेसबुक एड्स कोर्स देखना चाहते हो तो लिंक दिया गया होगा प्लेलिस्ट का, आप उस कोर्स को देख सकते हो। सेकंड चीज, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि और ज्यादा वीडियोज मैं ला पाऊँ रिगार्डिंग फेसबुक एड्स प्लस आगे जाकर के ई कॉमर्स और लीड जनरेशन के ऊपर। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो एंड वहां पर भी काफी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और एक और चीज कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको नेक्स्ट जो भी लाइव होने वाला है, लाइव वीडियोस जो भी आने वाली है, ठीक है, उनके ऊपर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। प्लस उसके साथ साथ जो भी हम लाइव सेशन, जब भी लाइव सेशन होने वाले हैं तो लाइव सेशन की भी आपको अपडेट आ जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अभी के लिए हमने जो प्रीवियस कुछ वीडियोज उसके अंदर बात किया है सीबीओ के ऊपर, इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, देन हमारी लेजर टारगेटिंग के ऊपर हमने बातें की है, मेगापिक्सल के ऊपर बात की है अगर किसी को पिक्सल के बारे में नहीं पता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रॉड टारगेटिंग, किस तरीके से आप ब्रॉड टारगेटिंग करते हो या फिर क्या चीज है, किस तरीके से एक्चुअली अभी के लिए टारगेटिंग काम करती है फेसबुक एड्स के अंदर। अभी जो भी हम ब्रांड्स को मैनेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी सारी वेबसाइट से काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम एड्स रन करते हैं, तो वहां पर किस तरीके से एड्स रन किए जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से कुछ पार्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो किस तरीके से चलता है, सबसे पहली चीज तो क्या ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब क्या है। ब्रॉड टारगेटिंग इज बेसिकली कि आप फेसबुक का जो आप कह सकते हो जो फेसबुक आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देता है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता, एक तरीके से आप सिंपली ये कह सकते हो। और आप ब्रॉडली फेसबुक को ऑप्शन देते हो कि भाई तुम जितना ब्रॉड जा सकते हो उतना ब्रॉड जाओ, यानी कि ब्रॉड इन द सेंस कि ऑडियंस साइज के अंदर कि आप कितना भी बड़ी एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है उसमें जाइए और उसमें से जो मेरे प्रोडक्ट को बाय करेंगे या जो मेरी सर्विसेज को बाय करेंगे आप उनको मेरे एड्स दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको चलिए डैशबोर्ड पर दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू क्या चीज़ मतलब है इसका। अब ये मेटा को आप कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट डाल सकते हो कि उस इंटरेस्ट के अंदर आपको फिगर आउट करके दे दे आपकी कौन सी बेस्ट ऑडियंस है, कहाँ पर आपको ज़्यादा सेल मिल रही है, कहाँ पे ज़्यादा आपको परचेज मिल रही है, या फिर आप ओपन उसको रन कर सकते हो या विदाउट एनी इंटरेस्ट केवल लोकेशन वगैरह, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा है केवल इंटरेस्ट लोकेशन और एज का यहाँ पर हम मेजरली इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिकली इसे हम बोलते हैं ब्रॉड टारगेटिंग, कि हम ब्रॉड टारगेटिंग किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं ब्रॉड टारगेटिंग के लिए। सो अभी चलते हैं डैशबोर्ड पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एक्चुअली ब्रॉड टारगेटिंग की जाती है। तो सबसे पहली चीज अभी फिलहाल के लिए एक सेल्स कैंपेन है जो हमने बना रखा है। अब ये जो सेल्स कैंपेन है इसमें हमारा ये सेगमेंट है पूरा टारगेटिंग वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पहली चीज तो ये कि आप किस लोकेशन पर अपने ऐड रन करना चाहते हो वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पूरे इंडिया में ऐड चलाना चाहते हो आप पूरे इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिए। आप कुछ स्पेसिफिक पास मान लो कि इंडिया में आप कुछ चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक पार्ट में ऐड ना चले तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि आपके ऐड आसाम में चले क्योंकि वहां पर मान लो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो आप नहीं चाहते आपके ऐड आसाम में चले तो इसलिए आपने यहाँ पर आसाम को स्किप कर दिया। मान लो आप ये भी चाहते हो कि भाई नागालैंड में भी मेरे प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकते तो मैं उसको भी स्किप करना चाहता हूँ, तो मैं उस तरीके से उसको भी स्किप कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने एड्स को किस जगह पर चलाना चाहते हो, कैसे चलाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके एड्स केवल सिटीज में चले तो आप यहां से सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी सिटीज में आप ऐड रन करना चाहोगे उसके हिसाब से आप यहां पर शहरों में अपने एड्स को रन कर सकते हो, या फिर आप चाहो कि भाई पर्टिकुलर एरिया में मैं ऐड रन करना चाहता हूं, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई बिल्कुल नया बंदा है तो वो भी यहां पर चीजें समझ सकता है। अब आप चाहें तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं लखनऊ को टारगेट करना चाहता हूँ। अब लेट सपोज कि मेरा एक लोकल बिजनेस है, मान लेते हैं सैलून का बिजनेस है किसी भी चीज़ का, और मैं चाहता हूँ लोकल एरिया में इसको प्रमोट करना, तो लेट सपोज मैं लखनऊ को टारगेट किया। अब जितना मैं चाहता हूँ कि भाई जिस एरिया में मैं अपने एड्स को रन करना चाहूँ पूरे लखनऊ में भी सैलून तो नहीं चल सकता, ठीक है। लेट सपोज सैलून मेरा एक लखनऊ के पर्टिकुलर एरिया में, लेट सपोज गोमती नगर में है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पर गोमती नगर सर्च करूंगा, ठीक है। लेट सपोज जो भी एरिया है इन लखनऊ में गोमती नगर का एरिया, तो मैंने गोमती नगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो मेरे ऐड है वो केवल गोमती नगर में चलेंगे, तो इसमें क्या है कि भाई जो आसपास के लोग हैं उनको मेरे सैलून के बारे में पता चलेगा और वो मेरे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। सो ये लोकेशन वाइज टारगेटिंग हो गया। आप जिस तरीके से अगर लोकेशन वाइज टारगेटिंग करना चाहें तो आप लोकेशन वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं, फेसबुक आपको उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड चीज आती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर हम नेक्स्ट कुछ वीडियोज के अंदर बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मेजर चीज चल रही है, ठीक है, जो मेजर चीज है दैट इज कि एडवांटेज प्लस में फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक अपने हिसाब से चीजों को एड्स को लेकर जाता है ऑडियंस तक एंड वहां पर वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि कौन बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लेट सपोज कि लेट सपोज आपने यहाँ पर एक ऐड बनाया
ठीक है, मान लेते हैं कि आपने ये ऐड बनाया 17 तारीख को, आप कल से चालू करना चाहते हो इस ऐड को, ठीक है। सो अब यहाँ पर होने के वाला है, मान लो कि जो ऑडियंस दिख रही है आपको, ठीक है, जहां पर जब तक मैंने कुछ टारगेटिंग नहीं कर रखी है एडवांटेज प्लस में, यहाँ पर सब कुछ ओपन पड़ा हुआ है, तो ये ऑडियंस दिख रही है मेरे को 150 से लेकर के 179। अब फेसबुक क्या करेगा, इस ऑडियंस में से कोशिश करेगा कि जो भी मेरा प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ या मेरी सर्विसेज जो भी मैं सेल करना चाहता हूँ, लीड जनरेट करना चाहता हूँ या फिर सेल्स चाहता हूँ, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, वो फेसबुक अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये भी एक ब्रॉड टाइप की कैटेगरी है, ठीक है, कि ये ब्रॉड है भाई, फेसबुक को मैंने ओपन कर दिया, इसको आप ओपन कर सकते हो कि ओपन ऐड है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम केवल लोकेशन हमारा सेलेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी एज ग्रुप हम चाहते हैं, मान लो कि मैं चाहता हूँ 18 से 45, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप जेंडर लेट सपोज मैन का है तो मैन में, वुमेन है वुमेन, या फिर ऑल जेंडर का आप चला सकते हो। इस तरीके से आपने डेमोग्राफिक इसको ओपन छोड़ा, बाकी आप यहाँ पर काम करते हो, इसी को आप ओपन टारगेटिंग करते हो। तो ये ओपन टारगेटिंग भी एक काइंड ऑफ ब्रॉड टारगेटिंग है। अब फेसबुक क्या करेगा कि ये जो ऑडियंस इसको मिली है, इस ऑडियंस में से कोशिश करेगा फिगर आउट करने की कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और जो लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे फेसबुक उन तक और पहुंचाएगा। अब ओपन टारगेटिंग में क्या होता है कि आपकी जो एड कॉपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, किस तरीके से आप अपनी हेडलाइन लिखते हैं, सो दैट कि फेसबुक को पता रहे कि उसे ये एड को कहाँ पर लेकर के जाना है, ठीक है। अब सेकेंड चीज यहीं पर अगर मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं करूंगा, मैं एक ब्रॉड टारगेटिंग डाल सकता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाल दिया, ठीक है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सेल करना चाहता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो फेसबुक ने दिखाया कि भैया 23 मिलियन से लेकर के 27 लाख तक के लोग हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अब व्हाट फेसबुक विल डू इज कि फेसबुक इस इंटरेस्ट के इर्द गिर्द अपने लोगों को, इस इंटरेस्ट जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे उनको ही अपने एड्स दिखा रहा होगा, और उनमें से जो लोग ज्यादा एड्स पे क्लिक कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उन पे कोशिश करेगा कि भाई वो कन्वर्ट हो जाए। अब फेसबुक क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, जरूरी नहीं है कि वो केवल डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को ही दिखाए, अगर उसे लगता है कि इससे थोड़ा बाहर जा करके भी मुझे कुछ लोगों को दिखा सकता हूं मैं, तो वो बाहर डेफिनेटली चला जाएगा, जो कि अब एडवांटेज प्लस में फेसबुक करता है, बट इंटरेस्ट टारगेटिंग में भी फेसबुक ये चीजें करता है। तो क्या है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक जिसे चाहे दिखा सकता है। दिस इज अ सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, इसे आप कहते हो सिंगल इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर केवल सिंगल इंटरेस्ट है, आप चाहो तो इसी के साथ ऐड को पब्लिश कर सकते हो। ये काफी ब्रॉड हो जाता है, यानी कि ये कह सकते हो कि आपने इसी के इर्द गिर्द रखा है और आप रन करना चाहो कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ टारगेटिंग आती है जब आप इसमें दो तीन इंटरेस्ट को डालते हो कि भाई आप इससे रिलेटेड इंटरेस्ट, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, उसके बाद आपका एडवर्टाइजिंग होगी या सोशल मीडिया हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक तीन इंटरेस्ट का यहाँ पर स्टैक बना दिया या फिर सेट बना दिया, और अब मेरा एड इनमें चलेगा। यहाँ पर आप ऑडियंस साइज देखोगे तो ऑडियंस साइज भी बढ़ गई होगी या कट जाएगी, इसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया ब्रॉड की, मैं एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे, प्लस फेसबुक के पास इतनी लिबर्टी होती है कि वो इसके अलावा भी कुछ लोगों को ऐड दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप अपने एज ग्रुप के साथ भी प्ले कर सकते हो, मान लो आप चाहते हो ऐसे लोग जो लोग रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, तो भाई रेस्टोरेंट का बिजनेस 18 साल का बच्चा तो करेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो वो बड़े से आप 24 के ऊपर कर सकते हो। ये बेसिकली ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस जगह पर प्ले करते हो, ठीक है। सो ओपन टारगेटिंग भी एक काइंड ऑफ ब्रॉड टारगेटिंग हो गई, सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग भी एक काइंड ऑफ ब्रॉड टारगेटिंग हो गई, प्लस जो आप अगर दो तीन इंटरेस्ट को स्टार्ट कर देते हो तो वो भी एक ब्रॉड टारगेटिंग होती है। अभी क्या है, अभी के टाइम पे जो मैं ज्यादातर हम यूज करते हैं या फिर हमारी एजेंसी में जो हम यूज किया करते हैं, ठीक है, वो होती है कि हम तीन चार इंटरेस्ट को स्टैक करते हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट है। मान लेते हैं कि मैं एक वुमेन्स कुर्ता सेल करता हूँ, सो मैंने क्या किया, मैंने वुमेन्स फैशन एक बार सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर होगा ऐसा इंटरेस्ट, ठीक है, वुमेन्स फैशन मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर मुझे वुमेन्स फैशन नहीं दिख रहा है तो हम वुमेन्स टाइप करेंगे, या फिर लेट्स सपोज हम फैशन टाइप कर देते हैं, ठीक है, फैशन हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर फैशन डिजाइन इस तरीके की चीजें आ रही है। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, जैसे फैशन एसेसरीज आ गई, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इससे रिलेटेड और भी चीजें मेरे को देगा, लेट्स सपोज कि मैं कुर्ती है तो क्लोथिंग में आ गया, तो मैंने से यहाँ पर क्लोथिंग सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कुछ और चीजें, तो ड्रेसेस है या फिर टॉप हो गया, बुटीक हो गया, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तीन चीजें हो गई, अब इन तीन चीजों को मैं रन कर दूंगा अपने ऐड के साथ, एंड आई विल सी कि क्या फेसबुक मेरे को किस तरीके के इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर इन लोकेशन के साथ चाहूंगा। तो मैं अब ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट जो मैंने सेलेक्ट किया ये पूरे ऑल सिटीज में चल रहा है। अब मैं चाहूं तो मैं स्पेसिफिक स्टेट में चला सकता हूं, जैसे मान लो कि मैं देख रहा हूं कि भाई साउथ साइड से मुझे ज्यादा
ऑर्डर आते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक एड चला दी कि भैया मेरे एड केवल केरला कर्नाटका, ठीक है, यानी कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ही चला होता। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक केवल इन पर्टिकुलर स्टेट में ही मेरे ऐड को चलाएगा, पूरे इंडिया में ऐड नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपने ऐड को, अपनी ब्रॉड टारगेटिंग को रखते हो। तो ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब सिंपली ये हो गया कि आप किस तरीके से ओपन कर दो, या फिर मल्टीपल इंटरेस्ट रख दो, या फिर सिंगल इंटरेस्ट रख दो, और उसके साथ लोकेशन में प्ले कर लीजिए। तो दिस इज अबाउट ब्रॉड टारगेटिंग, और इस तरीके से आप टारगेटिंग को करते हैं, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है इस लेवल पे, इसको आप अगर प्रॉपरली देखेंगे, इस वीडियो को आई बटन में लिंक दिया गया होगा, तो आपको ब्रॉड टारगेटिंग और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब इन्हीं का आप इस्तेमाल करके रिजल्ट्स लेकर के आते हो। अब देखो, एक चीज होती है कि आप ये टारगेटिंग सीख ली, आपने ब्रॉड टारगेटिंग सीख ली, आगे हम नैरो टारगेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप जिस भी तरीके की टारगेटिंग सीखते हो, उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि किस तरीके से आप डेटा को रीड कर पाते हो। क्योंकि टारगेटिंग करोगे तो टारगेटिंग के बाद आपको डेटा मिलेगा, आप डेटा को रीड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट कुछ वीडियोज के अंदर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स आता रहे, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, गौरव स्पीक्स अंडरस्कोर गौरव स्पीक्स, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको और भी इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।